गुड मॉर्निंग। इस वक्त एक बड़ी खबर मुंबई के पास नाला सोपारा से आ रही है, जहां पर नाला सोपारा में हिंदू संगठन के सदस्य के घर से बम और बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। सनातन संस्था के सदस्य वैभव राउत के घर से एटीएस ने 8 देसी बम बरामद किए हैं। वैभव राउत के घर के पास की दुकान से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है और एटीएस ने ये सामान बरामद किया है। बड़ा सवाल ये कि वैभव राउत के घर में आखिर ये सामान कहां से आया और कहां इस्तेमाल किया जाना था इस सामान को, ये बहुत बड़ा सवाल है। 8 देसी बम बरामद हुए हैं। एटीएस ने बम बनाने का सामान भी वैभव के घर के पास से बरामद किया है। मुंबई से सटे नाला सोपारा में कल शाम से ही एटीएस ने एक घर पर छापा डाला है। ये वही घर है, आप देख सकते हो यहाँ पर कल शाम से छापा डाला हुआ है। सिर्फ एटीएस ही नहीं, तो यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी आए थे, फॉरेंसिक टीम भी आई थी और स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर है। कल शाम से ये छापा यहाँ पर शुरू है और एटीएस के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यहाँ इसी घर में से 8 बम बरामद किए गए हैं। और ये जो बम है वो देसी बम है, ये यहीं पर बनाए गए और इसी घर से थोड़ी दूर पर रहने वाले एक दुकान में से बम बनाने के कुछ सामान जो है वो भी एटीएस ने जब्त कर लिए गए हैं। ये जो सामान है वो इतने बड़े पैमाने पे थे कि इन सभी सामानों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो और 12 बम बनाए जा सकते थे। इतने बड़े पैमाने पर बम और बम की सामग्री जो है वो यहाँ से मिली है, वो बरामद की गई है। ये जो घर है वो वैभव राउत करके एक शख्स का है ऐसे बताया जा रहा है और वैभव राउत के घर में से ये सारे बम यहाँ से बरामद किए गए हैं। ये जो वैभव राउत है वो सनातन संस्था से जुड़े हुए हैं, सनातन संस्था के कार्यकर्ता है। आप देख सकते हो यहाँ पर इनके घर में भी सनातन संस्था के जो पोस्टर है वो लगाए गए हैं और एक कट्टर हिंदुत्ववादी ये वैभव राउत जो है वो कहे जाते हैं। अभी तक एटीएस ने या फिर स्थानीय पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कोई भी बात कही नहीं है, लेकिन ये सारी बात जो है वो सूत्रों से हमें पता चली है। फिलहाल तो यहाँ पर छापा जो है वो अभी भी शुरू है, रेड जो है वो अभी भी शुरू है और आने वाले समय में ये जो सारी बातें हैं वो सामने आ सकती है। कैमरामैन अनिल संदरे के साथ अक्षय भाटकर, एबीपी न्यूज मुंबई। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पुलिस और एटीएस की जब आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें पता चलेगा कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।